पंजाब सरकार दे प्रशासनिक सुधार विभाग वल्लों पंजाब दे लोकां अते विद्यक अदारियां विच पढ़दे विद्यार्थियों नूं वार-वार हल्फिया बयान देण तों छुटकारा दिवाउण लई हल्फिया बयान नूं स्वै अटैसटिड स्वै घोषणा पत्र विच तब्दील करन लई 2010 विच इक नोटिफिकेशन जारी किया गया सी, जिस नूं सरकार 11 साल बीत जाण दे बावजूद भी लागू करन विच असफल रही है। नोटिफिकेशन नूं पूर्ण रूप विच ना प्रचारे जाण अते ना लागू करन नूं लै के लेबर पार्टी दे प्रधान जय गोपाल तिमान ने पंजाब सरकार नूं आड़े हत्थी लैंदे कहा कि नोटिफिकेशन नूं सरकारी फाइलां हेठ दबा के रखण नाल पंजाब सरकार समुचे पंजाब दे लोकां दे कीमती समय अते पैसे दा भारी नुकसान कर रही है, जो अपने आप विच इक गैर संविधानक अते गैर जिम्मेवाराना है। पंजाब सरकार ने 2010 के स्वै हल्फिया बयान स्वै घोषणा पत्र कन्वर्ट किया लोग जोड़े खज्जल खराब होंगे हल्फिया बयान देंगे बार बार कचहरिया जाते उ ब्लैक लेंदे टाइप कराते उन्हों सारे जो पैसा लोगों का बर्बाद हों उसकी थान के उत्ते पंजाब सरकार ने 2010 के सैल्फ डैकलारेन कन्वर्ट करता सी भी हल्फिया बयान की थान के उत्ते स्वै घोषणा पत्र दे सकते हो और स्वै घोषणा पत्र भी सैल्फ अटैसटड कोई डिजिटलाइजेशन वो लोड़ नहीं आ सेवा केंद्र जाने की लोड़ नहीं आ और स्वै घोषणा पत्र से कोई भी प्रार्थी जो देना चाहता वो तो अपनी फोटो लाएगा फोटो ला के अपने दस्तखत आप कर सकता और किसी पंच सरपंच लंबड़ तो किसी भी तरह के कोई सिग्नेचर कराने की जरूरत नहीं आ। यह नोटिफिकेशन 2010 के पंजाब सरकार ने जारी की सी पर सब तो बड़े दुख की गल ये 11 साल के बीच ये नोटिफिकेशन अज तक पूरी तरह लागू नहीं हुई। हुण स्कूलों के जो बच्चे आ उन्हां तो सर्टिफिकेट मंगे जा रहे हैं उन्होंने कहा जा रहा पे स्वै घोषणा पत्र से असी कोई भी डाकूमेंट थोड़ों नहीं लेना उसका एफीडेविट दिता जाए। हुण जदों बच्चा स्कॉलरशिप अप्लाई करता सवाले पैदा होता जिहड़ा डॉक्टर अंबेदकर जी का स्कॉलरशिप पंजाब गवर्नमेंट है वो जी साइट आ उत्ते साफ लिखा भी कि डॉकूमेंट्स रिक्वायर्ड आ और दूसरी गल है वो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस तो मंगया नहीं जा रहा। जो तो बच्चे किसी इंस्टीट्यूशन से एडमिशन लेंदे आ उत्थे सारी तरह के सर्टिफिकेट जिहड़े बच्चे आ उत्थे एडमिशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन और सबमिट करते हैं और दूसरी गल है सेवा केंद्रों की आमदन बढ़ाने के लिए सारा कुछ ड्रामा जिहड़ा आ वो रचिया जा रहा इस करके नोटिफिकेशन जी इनू लागू नहीं किया गया। जे नोटिफिकेशन पंजाब दे विच लागू हुंदी आ ते समुचे पंजाब दे लोकां नू सब नू बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा खास करके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के जोड़े बच्चे परेशान होंगे आ बार बार एफीडेविट देना पैंदा किसी भी काम लिए एडमिशन लिए स्कॉलरशिप लिए और उस तो छुटकारा दवाने लिए उस वेले दी पंजाब सरकार ने एक चंगा स्टैप लिया सीगा वधिया गल आ पर चंगे कानून देश के अंदर लुको के रख लाए जाते फाइलों में दबाए जाते हैं जिहदा करके आम लोगों बाद दे विच बहुत बड़ा एक नुकसान होंदा। तो सैल्फ डिक्लेयर मैं दसना चाहवागा भी जिहड़ा बीफे का स्कॉलरशिप का फॉर्म आ उस विच कोई किते नहीं लिखिया पे तुसी रेजिडेंस का सर्टिफिकेट देना जो कि रेजिडेंस से सर्टिफिकेट की भी डिमांड की जा रही है ये जानबूझ के आ क्योंकि जो तो बच्चा सेवा केंद्र जाएगा तो पेरेंट सेवा केंद्र जाएंगे उत्थे 80 रुपये वो सेवा केंद्र की फैसिलिटेशन चार्जस देंगे। फिर सरकार ने सोचा भी बच्चों आमदन का साधन बनाओ किस तरह पे एफीडेविट से सब कुछ लेना फिर पंजाब सरकार ने पूछे जाए फिर तुम ये सैल्फ डैक्लारेशन की जी उसू एफीडेविट को क्यों रिप्लेस किया जे तुम इनू लागू नहीं करना सी। असी यही सरकार तो मांग करते हैं लेबर पार्टी वालों भी जो सैल्फ डैक्लारेशन का जोड़ा ये नोटिफिकेशन है इसनों सरकार पूरी ईमानदारी के नाल लागू करे और 2010 के बीच सारे डीसीज ने इसनों प्रचारना सी लोगों से लैके जाना सी भी जो एफीडेविट आ वो बंद करता कुछ जोड़े मथ आ उत्थे सिर्फ लगेगा बाकी सब इन जनरलाइज करता भी सैल्फ डैक्लारेशन तुम दे के अपना काम सार सकते क्योंकि सैल्फ डैक्लारेशन भी एक लीगल डाकूमेंट है।